सचिन कोहली लेग एम्पायर प्लीज मैदान पे जाएं। सचिन साहब जूस पीते हुए, हाँ जूस पी लीजिए। प्लीज आशुतोष सर आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से आ जाएं प्लीज। आशुतोष सर आ जाइए आ जाइए आ जाइए, क्योंकि मौसम बदल रहा है, अंधेरा हो जाता है, मैच जल्दी करवाने हैं, इसके बाद हमारा सेमीफाइनल भी है और फाइनल मैच भी बचा हुआ है इस समय। फरहान साहब जल्दी चालू कराएं, फरहान चौधरी जी जल्दी चालू कराएं, 3 ओवर का मैच है बस, 18 बॉल का मैच है, ताबड़तोड़। हाँ ये मैच जो भी टीम जीतेगी वो 3 में से 1 ट्रॉफी की हकदार होगी। 3 ओवर का मैच है, 18 बॉल का मैच है दोस्तों, जल्दी चालू करें इसको। और बॉलर हैं आदरणीय श्री सचिन, वाह आज तक बैटिंग तो देखी है सचिन की, लेकिन अब बॉलिंग देखेंगे सचिन की। ओ लवली रन, लवली रन, लवली प्लेसमेंट, पहली बॉल पहला रन, सचिन उर्फ भाऊ हमारे लोकप्रिय खिलाड़ी हैं, सितारे हैं। बहुत ही जोरदार फील्ड प्लेसमेंट है, पंकज कोहली कैप्टन शाहबाज टीम, बहुत ही अच्छा फील्ड प्लेसमेंट आपका। और उठा के खेला है जमाई राजा के हाथों में ये कैच आता हुआ, मजा आ गया, पहला विकेट गिरता हुआ, बहुत ही बढ़िया जज किया जमाई राजा ने, मजा आ गया, गजब का कैच। और आउट हुए हैं बल्लेबाज विजय, तेरा करम तेरी ही विजय है। पहले मैच में तो विजय साहब ने 20 रन बनाए थे, फिर पता नहीं किसने नजर लगा दी, 2 मैच से 0 बना के आ रहे हैं। और नए बल्लेबाज हैं आदरणीय श्री विनायक गणेश जी आ गए हैं मैदान पर। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्र भय, निर्विघ्न करो मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। विनायक साहब श्लोक पढ़ दी गई हैं आपके लिए, कुछ बल्लेबाजी में अपना हुनर दिखाइए यहां पर। अगली बॉल ओहो लवली बॉल फरहान चौधरी की फील्डिंग, लेकिन मिस फील्ड के सरताज बनते हुए, मिस फील्ड बहुत करते हैं फरहान चौधरी, जब भी 6 बॉल पे 36 रन चाहिए जब भी इनको बॉलिंग दी जाती है, जब भी 6 बॉल पे 27 रन चाहिए तभी इनको बॉलिंग दी जाती है, लेकिन पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, 6 बॉल पे 24 रन चाहिए थे, इन्होंने मात्र 5 या 6 रन दिए हैं उस ओवर में। ओहो व्हाट ए शॉट, व्हाट ए शॉट, व्हाट ए ब्यूटीफुल शॉट, दिस टाइम बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए खेल दिया है, बहुत अच्छा शॉट। विनायक के लिए श्लोक पड़ी गई थी और चौका लगा दिया है विनायक ने, स्कोर हो गया बढ़कर के दोस्तों 6 रन और बॉलें हो गई है पहले ओवर की 4 बॉल, 2 बॉलें बाकी है विनायक, देखते हैं क्या करते हैं विनायक। बहुत ही शानदार शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 4 रन के लिए। ओहो व्हाट ए गुड शॉट, 1 रन के लिए स्कोर बढ़कर के हो गया दोस्तों 7 रन, 5 बॉल हो चुकी हैं, लास्ट बॉल बाकी है, देखते हैं पार्थ क्या करते हैं। आखिरी बॉल, बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट, बेलापुर ऑलरेडी क्वालिफाइड इन लास्ट 4 वंस। ओहो गैप पे खेला ये शॉट, जमाई राजा मौजूद है, बहुत ही अच्छा थ्रो जमाई राजा का सीधा हाथों में, ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद स्कोर है 8 रन।
तो दोस्तों इनामों की बौछार आने लग गई हैं। अगर कैच पकड़ा गया रुद्र भंडारी और मयूर भंडारी और आकाश भंडारी की तरफ से तो 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। रुद्र भंडारी साहब 100 रुपए का नगद पुरस्कार देंगे अगर मयूर ने और राकेश ने अगर कैच पकड़ा तो। अगला ओवर बॉलर हैं आदरणीय श्री नीलेश कोहली बाला। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, बहुत ही सुंदर शॉट, लेकिन माफ कीजिएगा कुछ नहीं मिलेगा, मात्र 2 रन मिलेंगे। शॉट बहुत अच्छा था, लवली शॉट बाय पार्थ, ब्यूटिफुल शॉट। और हमारे आदरणीय श्री रुद्र भंडारी साहब ने 100 रुपए का पुरस्कार घोषण किया है मयूर और अगर राकेश कोहली कैच पकड़ लेते हैं तो। पहली बॉल 2 रन, स्कोर बढ़कर के 10 रन। बड़ा ही रोमांचक मैच हो रहा है दोस्तों। कौन सी टीम जीतेगी बताना बहुत जल्दबाजी होगा इस समय, दोनों टीम बहुत अच्छी हैं। फरहान समय का ध्यान रखें, समय हमारे पास कम है। अगली बॉल बाला, कमेंट्री भी करते हैं हमारे साथ और बॉलिंग कर रहे हैं इस समय बाला। ओहो वाइड बॉल, उमेश कोहली एम्पायरिंग कर रहे हैं और क्या अंदाज है, डिकी बर्डन की याद आ गई हमारे को तो आपके एक्शन से। और आशुतोष गाड़ेकर हमारे लेग एम्पायर, नमस्ते सर, गुड इवनिंग। साइड चेंज की है, राउंड द विकेट बॉल फेंकेंगे इस बार बाला। ओ फुल टॉस बॉल उठा के खेला है, लवली कैच, ब्यूटीफुल कैच, पंकज कैप्टन पंकज, वाह गजब का कैच। आज इन्होंने चौथा कैच पकड़ा है और मैं तो रुद्र साहब से अनुरोध करूंगा पंकज जी के लिए भी 100 रुपए का इनाम घोषणा होनी चाहिए, इतना अच्छा कैच पकड़ा है इन्होंने। आपने मयूर और राकेश कोहली के लिए तो घोषणा कर रखी है लेकिन पंकज जी के लिए भी पुरस्कार होना चाहिए, बहुत अच्छा कैच पकड़ा है। और नए बल्लेबाज आ रहे हैं आदरणीय श्री देवानंद, अच्छा केवल केवल जा रहे हैं, ये केवल अपने बारे में सोचते हैं लेकिन इनकी जरूरत है पूरी टीम के बारे में सोचें इस समय, केवल नाम है इनका। पंकज सर बहुत ही अच्छा कैच आपका, बहुत बढ़िया कैच। बाला एक बार फिर से, ओहो ऑफ स्टंप पर गुड लेंथ बॉल डाली थी, सीधा विकेट कीपर राकेश कोहली के दस्तानों में। दूसरा ओवर चल रहा है, स्कोर बढ़कर के हो गया 11 रन। ओ वो उठा के खेला है, ओहो 6 रनों के लिए खेल दिया इस बार, मजा आ गया। लवली शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए खेल दिया, वाह। विनायक गणेश जी हमारी प्रार्थना आपके साथ चल रही है और भगवान करे आप अपने कार्यों में सफल हो। बहुत ही खूबसूरत 6 रन, स्कोर बढ़कर के हो गया 17 रन, 17 रन्स वाइल सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। और
उठा के खेलना चाहते थे। ओ माय गॉड, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, माफ कीजिएगा। स्कोर बढ़ करके 18 रन्स। ये एक्टिंग कर रहे हैं उंगली में लगने की। हाँ, कैच छोड़ दिया आपने। इट्स ओनली एक्टिंग सर, प्लीज। शायद अगली बॉल। ओहो, बाला बहुत गंदा डांट रहे हैं फील्डर को। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर है मेंटेनिंग ए रन रेट ऑफ 9 रन्स पर ओवर। स्कोर इज 18 रन्स विद ए लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 2 विकेट के नुकसान पर 18 रन। फरहान चौधरी, गपशप ना करें, जल्दी मैच को करें, इसके बाद हमारे सेमीफाइनल और फाइनल बाकी हैं। जी हां, 18 रन 2 ओवर। लास्ट ओवर इज रिमेनिंग, 6 बॉलें बची हैं। स्कोर 18 रन 2 ओवर। विकेट 2 विकेट्स। और जमाई राजा को गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी है दोस्तों। 6 बॉल करेंगे जमाई राजा। ओहो, जोरदार अपील और आउट। पहली बॉल पर पहला विकेट। एम्पायर से कोई बहस ना करे, हमारे बहुत ही अनुभवी एम्पायर हैं, इनसे डिस्कस ना करें। देखिए, खेल भावना होनी चाहिए। और क्लीन, एकदम बिल्कुल क्लीन था। देखिए, हार जीत लगी रहती है और अब बहुत ही लंबे कदकाठी के बिल्कुल इजमाम उल हक जैसे दिखने वाले जा रहे हैं और इनका नाम है आदरणीय श्री वसीम बसंत भाई। वाह, बसंत ऋतु आ गई है मैदान पर। और जमाई राजा ने पहली बॉल पे पहला विकेट ले लिया है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और उनके सामने हैं बसंत, दोनों की वसंत। वाह, सॉरी यार, नॉर्थ इंडियन को बोलने में बहुत दिक्कत आती है यार। वैशाली नहीं बोलते हैं ये लोग। अगली बॉल, वसंत आ गए हैं और जमाई राजा गेंदबाजी करेंगे। ओ, एक बार फिर से छोड़ा। ये फील्डर था पिछले ओवर में भी, ये फील्डर है इस ओवर में भी। इनको फरहान चौधरी बोल रहे हैं काले पानी की सजा दे दी जानी चाहिए। 2 ओवर में 2 कैच छोड़ दिए इन्होंने और जमाई राजा को निराश कर दिया इन्होंने। जमाई राजा, आप आगे बढ़ते रहें। ओहो, बहुत अच्छी बॉल। स्कोर हो गया दोस्तों बढ़ करके 20 रन। 3 बॉल बची हैं और देखते हैं क्या अंजाम देते हैं इन 3 बॉलों पर दोस्तों। फरहान चौधरी बहुत खुश हैं अपनी टीम के प्रदर्शन से। ओहो, व्हाट ए बॉल। और आउट की भी संभावना। गजब की गेंदबाजी जमाई राजा की और केवल आउट होकर के वापस पवेलियन आते हुए और नए बल्लेबाज जा रहे हैं आदरणीय श्री आनंद। इनके नाम से एक पिक्चर बनी थी, अमिताभ बच्चन साहब और राजेश खन्ना उसमें अभिनय किया था। देखते हैं कितना आनंद देते हैं अपनी टीम को। 2 बॉलें बची हैं इस ओवर में, 20 रन हो चुके हैं।
और एम्पायर का वाइड बॉल का इशारा, थैंक यू प्लस वन, थैंक यू सर, थैंक यू सर। स्कोर बढ़ करके हो गया 22 रन 22, अभी भी दो बॉल बची हुई हैं। और उठा के खेला है, गैप में खेला भाई शॉट, बाला वहां पे मौजूद हैं, दो रन, स्कोर बढ़कर के हो गया 24 रन और लास्ट बॉल बची हुई है। बाला बहुत अच्छी फील्डिंग आपकी, फरहान चौधरी, ओहो लवली बॉल। ओवर की समाप्ति, तीन ओवर के बाद स्कोर है 24 रन और 25 रन चाहिए जीतने के लिए इस मुकाबले को। मैं निवेदन करूंगा बैटिंग टीम से जल्दी से मैदान पर जाएं, इसके बाद हमारा सेमीफाइनल और फाइनल भी है। कैप्टन सर जल्दी से अपनी टीम को ले जाएं प्लीज। और सुपर थ्री में दोस्तों धारावे, बेलापुर और इस मुकाबले को जो जीतेगा वो पहुंचेगा। मैं निवेदन करता हूं जल्दी से मैच को समापन करवाएं। और फरहान चौधरी जमाई राजा से भी अनुरोध है अपने बल्लेबाजों को जल्दी से भेजें। अठारह बॉल 25 रन हमारे एक्सपर्ट स्कोरर सुमित यादव, वाह बहुत बढ़िया, इतना अच्छा आपकी स्टैटिस्टिकल माइंड है, मजा आ गया। 8.50 इज द रिक्वायर्ड रन रेट, वाह मजा आ गया। जल्दी करें फरहान चौधरी साहब, जल्दी बल्लेबाज भेजें। एक को तो हम जानते हैं, हमारे जमाई राजा जा रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं आदरणीय श्री स्वप्निल, वाह। धारावी टीम की प्रैक्टिस बरकरार है, नेट प्रैक्टिस कर रही है नीले रंग की ड्रेस में, वाह नीले रंग की ड्रेस में। और कैमरा मैन एक बार इधर दिखाएं, नीले नीले अंबर पर चांद सब छाए, दिल को तरसाए दिल को तड़पाए, ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और 18 बॉल 25 रन बॉलिंग करेंगे आदरणीय श्री विनायक और जमाई राजा बल्लेबाजी करेंगे। स्कोर आप भी बोल दीजिए उनको। जबरदस्त मैच, देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। ओहो माफ कीजिएगा वाइड बॉल, थैंक यू एम्पायर, बिना बॉल के उपहार दे दिया है, गिफ्ट दे दिया है। और एम्पायर का जो वाइड का डिसीजन होता है, बिली बॉर्डन की याद आ जाती है। ओहो व्हाट ए बॉल, व्हाट ए बॉल, वन डिक्लेयर, स्कोर बढ़ करके हो गया दोस्तों 2 रन। और जमाई राजा की किस्मत इस बार साथ दे रही है, पिछले दो मैच में पहली बॉल पर आउट हो चुके थे लेकिन अब भाग्य साथ देता हुआ। और उठा के खेला है लेकिन मात्र, ओहो रन आउट की, ओ डबल डेकर बस थी,
तीन रन दे दिए, दो दौड़ करके और एक डिक्लेयर, तीन रन का और इजाफा हो गया, स्कोर बढ़ करके हो गया 5 रन। बहुत आनंद आता हुआ मैच का, और हमारे ऑर्गेनाइजर आदरणीय श्री विनायक जी कोहली साहब, बहुत अच्छा टूर्नामेंट आपने करवाया है, बहुत हृदय से हम हैं। भागचंद जी, और लवली शॉट दिस टाइम, 4 रनों के लिए खेल दिया है, ब्यूटीफुल शॉट, मजा आ गया। जमाई राजा अपने रंग में आते हुए, स्कोर बढ़कर के हो गया दोस्तों 9 रन। ओहो, इस बार ओ व्हाट ए रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 रन और चुरा लिया है तुमने जो रन को, दिल नहीं चुराना सनम। स्कोर बढ़कर के हो गया 10 रन और 2 बॉलें अभी भी बाकी हैं इस ओवर में। फुल टॉस बॉल, अच्छी फील्डिंग, रन आउट की चांस थी, स्कोर बढ़कर के हो गया 11 रन, 1 बॉल बाकी है इस ओवर में, जीतने के लिए चाहिए 25 रन। अच्छी बॉल, लेकिन रन लेना नहीं छोड़ते हैं, और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे जमाई राजा। स्कोर हो गया 12 रन 1 ओवर के बाद, 12 बॉल बची हैं और 13 रन चाहिए दोस्तों। फरहान चौधरी हमारे बीच में आ गए हैं, 12 बॉल 13 रन। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी है आदरणीय श्री, सर क्या नाम है, पार्थ साहब को दी है, जिन्होंने बल्लेबाजी तो बहुत अच्छी की थी, देखते हैं क्या गेंदबाजी भी कुछ टर्निंग करेंगे इस मैच में, कुछ जीवन देंगे, कुछ जान डाल देंगे इस मैच में, ये तो इस ओवर के बाद पता चलेगा। लेकिन एक ऐसा बॉलर चाहिए जो सिर्फ 3 या 4 रन देकर के इस ओवर को समाप्त कर दे। 12 बॉल बची हैं, 13 रन चाहिए दोस्तों, और धारावी और बेलापुर टीम लकी ड्रॉ के लिए आ जाएं, दोनों टीम के कैप्टन धारावी और बेलापुर, धारावी। ओ मिसफील्ड, 2 रन और, मैं रिक्वेस्ट करता हूं बेलापुर और दारावे के कैप्टन से यहां पे आ जाएं लकी ड्रॉ के लिए। हाँ, स्कोर बढ़ करके हो गया 14 रन, समय कम है। ओ लवली बॉल, ब्यूटीफुल बॉल, 10 बॉल बची हैं, 11 रन चाहिए, 10 बॉल 11 रन। क्या पार्थ आज कुछ चमत्कार करेंगे, कुछ, एक मिनट एम्पायर साहब, बहुत ही अच्छी बॉल, 9 बॉल 11 रन, 9 बॉल्स आर रिमेनिंग, 11 रन्स टू विन दिस मैच। जमाई राजा सामने, ओहो टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, 8 बॉल 11 रन, बहुत ही अच्छी बॉलिंग पार्थ आपकी, मजा आ गया मैच में, और भगवान करे मैच अच्छा हो, क्रिकेट जीतना चाहिए, हार जीत तो लगी रहती टीमों की, लेकिन क्रिकेट जीतना चाहिए। और अब आ गए हैं मयूर, पीकॉक,
पिछले दो मैच में दो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है मयूर ने, पिकॉक। हमारे राजस्थान में मोर बोला जाता है इनको, मयूर को। पार्थ, आपकी बहुत ही अच्छी बॉलिंग। ओहो, चमत्कार, मजा आ गया। पार्थ ने पूरे मैच का नक्शा बदल दिया है। बहुत अच्छी बॉल, मात्र आखिरी बॉल बची है पार्थ की, देखते हैं क्या होता है। सात बॉलें बची हैं और जीतने के लिए चाहिए 11। पार्थ, आपकी बहुत अच्छी बॉलिंग, लवली बॉलिंग। मात्र दो रन दिए हैं पार्थ ने पांच बॉलों पर, बहुत अच्छी बॉलिंग। ओहो, एक बार फिर से बहुत अच्छी बॉल। और दोस्तों, मैच बहुत रोमांचक स्थिति में आ गया है। छह बॉलें बची हैं और 10 रन चाहिए। 10 रन्स आर रिक्वायर्ड इन 6 बॉल्स। वाह, मजा आ गया। और मयूर भंडारी, आपके लिए ₹500 हमारे पास आ चुके हैं। मयूर भंडारी अगर एक भी छक्का लगाते हैं तो उनको ₹500 का नगद पुरस्कार, रुपेश कोहली सर की तरफ से। रुपेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने अच्छे इंसान हैं आप, क्रिकेट का मनोबल करते हैं। और आखिरी ओवर लेके आए हैं आदरणीय श्री आनंद। वाह, मजा आ गया। 6 बॉल 10 रन, बहुत ही रोमांचक मैच। अपने हृदय की धड़कनों को थोड़ा सा बचा के रखिएगा, अगर जो हृदय से कमजोर लोग हैं उनके लिए। उठा के खेला है, ओहो, व्हाट ए कैच दिस टाइम, मजा आ गया। सुभाष, और केवल साहब, मजा आ गया, क्या गजब का कैच पकड़ा है, ब्यूटीफुल कैच। 5 बॉल 10 रन, मजा आ गया। और मयूर भंडारी सर, अगर आप 6 मार देते हैं तो ₹500 का आपको नगद पुरस्कार दिया है आदरणीय श्री रुपेश जी कोहली सर ने। और नए बल्लेबाज गए हैं आदरणीय श्री सचिन उर्फ भाऊ। ओके, लेकिन आनंद, आप बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आनंद, बहुत जान डाल दी है मैच में। और 4 रन के लिए खेल दिया है मयूर साहब। 6 लगा देते तो 500 मिल सकते थे आपको। देखिए कितनी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, लक्ष्मी बरस रही है। रुद्र भंडारी करुण, ₹1,000 एक छक्का, ₹1,000 का नगद पुरस्कार रुद्र भंडारी साहब की तरफ से अगर मयूर छक्का लगा देते हैं तो। और ओ माय गॉड, क्या ये मैच छोड़ दिया, क्या ये मैच चला गया, इतना आसान सा मौका मिला था। 3 बॉल 5 रन, एक आसान सा मौका आया था। और दोस्तों, क्रिकेट है, कभी बैट हावी हो जाता है, कभी बॉल हावी हो जाती है। और भंडारी साहब को मयूर साहब नॉन स्ट्राइक पे आ गए हैं, ₹1,000 का नुकसान हो चुका है उनको। ओहो, मजा आ गया।
मजा आ गया, क्या गजब का कैच पकड़ा। फील्डर का नाम बताएं सर। अनिकेत, अनिकेत बहुत अच्छा कैच आपका, बहुत ही बढ़िया कैच। दो बॉल बची हैं और जीतने के लिए चाहिए। दो बॉल पांच रन कंपल्सरी। रुद्र दोस्तों 2000 रुपए के पुरस्कार की और घोषणा हो चुकी है। किसकी तरफ से? रुद्र भंडारी की तरफ से 1000 रुपए, यश साहब की तरफ से 500 रुपए और रुपेश साहब की तरफ से 500 रुपए। दो बॉल और चाहिए पांच रन। बहुत ही रोमांचक मैच, वाह। और दो रन दौड़ करके पूरे कर लिए हैं। एक बॉल बची है और जीतने के लिए चाहिए 3 रन कंपल्सरी। मयूर है ना सामने, और मयूर सामने, देखते क्या होता है इस मैच का। बहुत अच्छी बॉलिंग आनंद आपकी। एक बॉल 3 रन, वाह। और ये मैच, ओहो क्या मैच हुआ है, क्या मैच हुआ है दोस्तों, मजा आ गया। तर विनंती असेल की टीम फॉर्म 11 हॅलो तर विनंती असेल की टीम फॉर्म 11 बोनकोडी टीम, आपण आपला कॅप्टन लवकरात लवकर यायचा आहे, त्याचबरोबर बेलापूर टीम आपण देखील जतीन पाटील आमच्यापर्यंत आलेत। तर या सामन्याचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच ज्यांनी अप्रतिम गोलंदाजी केली, एक विकेट संपादन करून 3 रन त्याने खर्च केल्या, असा पार्थ ठरला जातो या मॅचचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच। तर यायचा फॉर्म